बच्चा पार्टी, लेट्स प्ले। दीदी पहले मुझे खेलने दो ना। ये लो रक्षा बेटा, संभाल के खेलना, कोई सांप ना डस ले। सांपों से बच के चलना होगा रक्षा, सिर्फ एक सीढ़ी और फिर तुम जीत जाओगी। कौन? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हाँ राहुल, इतने साल हो गए खुद के बच्चे की आस किए हुए, अगर इसमें भगवान की मर्जी ना है तो ना सही, कम से कम हम एक नन्ही सी जान को अपने घर तो ला सकते हैं, उसे खुद के बच्चे की तरह पाल तो सकते हैं ना। लेकिन राहुल, माँ का क्या, तुमने उनसे बात की? अरे माँ की टेंशन मत लो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। भगवान करे आप दोनों को भी ना रक्षा जैसी एक प्यारी सी बच्ची मिल जाए। रक्षा? अरे टाइम कितना हुआ है? 7:30। 7:30 हो गए। अरे रक्षा को घर भी तो छोड़ना है और उसके बाद उसे स्कूल भी जाना होगा ना। आप लोग बैठ के बात करो, मैं अभी आई। अरे रक्षा बच्ची उठो, देखो घर आ गए। अच्छा सुनो, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन सैटरडे को मिलने तुमसे फिर से आऊंगी। ओके? ये दरवाजा ऐसे कैसे खुल गया? एक मिनट। से बात करोगे? हाँ पापा। One minute. राहुल। हाँ हेलो राहुल बेटा। माँ आपके लिए एक सरप्राइज है। नमस्ते मम्मी जी। पोती से बात करोगी अपनी? रक्षा नमस्ते करो। नमस्ते दादी। हाँ नमस्ते दादी, हम आपसे मिलने आ रहे, आप हमारा इंतजार करना। हाँ राहुल बेटा तुम आ जाओ, मिलकर बात करते हैं। माँ बहुत जोर से भूख लगी है, खाना रेडी रखना। हाँ बेटा। हाँ दादी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ठीक है मम्मी जी, मिलते हैं फिर जल्दी। ठीक है। मुबारक हो दादी जी। राहुल और स्वाति को इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी, और थोड़े दिन रुक जाते तो पराई लड़की को अपना बनाने की इतनी जल्दी क्या थी। भाई मुझे तो बस एक ही बात समझ में आती है, ये लोग जो है ना किसी और के खून को अपना समझ के कैसे पाल सकते हैं। अब बताओ कहीं से भी उठा के अपने घर में किसी को ले आए तो वो क्या अपना हो गया? अरे अपना वो क्या है ना, कभी कभी फोन में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ और इनकी बातों का बुरा मत मानो, दादी बिल्कुल ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है वो। ये नाक्षी है ना, दिन भर दादी कान भरती रहती है। कोई बात नहीं पापा, हर एक एक जैसे थोड़ी ना सोचते हैं। अनु कहाँ है? बाथरूम गई है। अनु तुम बाथरूम में हो क्या? जल्दी आओ, हमें लेट हो रहा है। यहाँ तो कोई नहीं है। ये कहाँ चली गई?
खुल क्यों नहीं रहा है? बेटा, किसी की कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए ना। अच्छा दादी, आप जब खुद किसी के कमरे में घुसती हैं, तब आप दरवाजा खटखटाती हैं? अगली बार जब आपको मेरे कमरे में आना हो ना, तो दरवाजा जरूर खटखटाना। और जो गाना मुझे आपने गाते हुए रिकॉर्ड किया है ना, आप नहीं समझ पाएंगी, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। तू कैसे जानती है? दादी, आप सवाल बहुत पूछती हैं। अच्छा यही होगा कि आप ज्यादा सोचना बंद करें और आपकी किस्मत में जो लिखा है वो मान ले। क्या क्या पता कब बुलावा आ जाए। 8 साल की, लेकिन बातें तो देख कैसी करती है, जैसे कोई बड़ी औरत बात कर रही हूँ। जब से ये सब कुछ हुआ है ना, तब से मेरी तबीयत बिगड़ गई है। मैं रात भर सो नहीं पाई। तो मेरा काम कर, मेरा मोबाइल है ना, ये ले लेना, इसमें गाना है, उसका मतलब ढूंढ कर ला। मुझे लगता है इस गाने में ही उस लड़की का कोई राज छुपा हुआ है। ये सब रक्षा ने तो कुछ तो सच होगा माँ की बातों में, कुछ तो देखा होगा उन्होंने। काश मैंने उनकी बातें समझी होती। चीजू, मुझे याद है कुछ दिन पहले ना एक औरत आई थी मेरे पास, रक्षा के बारे में कुछ अजीब अजीब सवाल पूछ रही थी। जो आपके पड़ोस में एक लड़की रहती है रक्षा, आपको बताना ही होगा। वो लोग उस बच्ची को लेके कहाँ गए हैं, बहुत अर्जेंट है। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ मैम, मुझे उनको आगाह करना है, उनकी जान खतरे में है। मैंने तो उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया, लेकिन लगता है उसके पास जरूर कोई इन्फॉर्मेशन है। हमें उनसे मिलना चाहिए, हो सकता है वो हमारी कोई मदद कर सके। मुझे पता था कि आप लोग जरूर आएंगे। अब कौन बेचारा मारा गया? मेरी माँ, 2 दिन पहले। देखिए अभी भी समय है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रुकिए एक मिनट, मैं बताती हूँ अभी। ये देखिए, ये सबूत इकट्ठा करने में मुझे पूरे 2 साल लगे हैं। और ये तस्वीर देखिए, 1973 की है। ये तो, हाँ ये रक्षा ही है। ये बात मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। रक्षा की माँ को श्राप मिला था। गांव वालों का मानना था कि उसका पहला बच्चा यानी कि रक्षा, वो भी श्रापित होगी। और जब रक्षा का जन्म हुआ, उसकी माँ के पीछे उसके गांव के आदिवासी लोग पड़ गए और गांव के लोगों को खबर हो गई और वो रक्षा को ढूंढने लगे। और उसकी माँ को रक्षा को छोड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, और उसने उस नन्ही सी जान को जंगल में छोड़ दिया अकेला। रक्षा बेटा, तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ये गुड़िया तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम हमेशा इसे अपने पास रखना। हाँ आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो, मान जाओ ना माँ। नहीं बेटा, मैं नहीं रुक सकती, मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर उसके गांव के आदिवासी जाति के लोग मारे गए, उनकी पूरी जाति लुप्त हो गई। 1979 के बाद तो उनके बारे में सुना ही नहीं गया। लेकिन आप आज के जमाने में इन सब चीजों पे विश्वास करते हैं? विश्वास करती नहीं हूँ, विश्वास हो गया है। जब से मैंने रक्षा का पीछा करना शुरू किया है, आप ही की तरह एक जोड़े ने रक्षा को गोद लिया था और उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। और उसके बाद एक दूसरे जोड़े ने गोद लिया और वो भी चल बसे। क्या आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि एक ही बच्ची बार बार गोद ली जाती है और बार बार उसके माँ बाप मारे जाते हैं? इस तरह पूरे 4 बार हो चुके हैं। संदीप, लो पानी पियो।
कितने डरपोक बहू मिली है मुझे। वाह, क्या बोल रहे हैं हम? सब जानते हैं कि सिद्धि को अंधेरे से डर लगता है। रात में अकेली थी घर पे यार, डर गई होगी। वाह विवेक, अभी से अपने विवेक की इतनी वकालत कर रहा है। माँ मैं बस अपनी मर्जी से लड़की चुन ली। चलो ठीक है, फिर हमने कहा शादी यहाँ करेंगे, लेकिन नहीं, न जाने कौन से गांव में जाकर शादी रचाएंगे। माफ कीजिए बहन जी, सिद्धि की शादी हमारे गांव में हो ऐसे इसके पापा चाहते थे, तभी तो सिद्धि ने हमारे गांव में शादी करने का मन बना लिया। पर बहन जी, विवेक हमारा एक लौता बेटा है और हम उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, और ना जाने आप लोग कौन से मनहूस गांव में जाकर शादी करना चाहते। माँ बस प्लीज। देखिए समझन जी, अगर मेरे विवेक को कुछ भी हुआ तो कह देती हूँ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। माँ बेटी, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लड़का है विवेक। तुझे पता है विवेक बिल्कुल तेरे पापा पे गया है। वो भी तो अपनी माँ के सामने मेरी हमेशा वकालत किया करते थे। तेरी सास के तानों से मेरा दामाद तुझे हमेशा बचाए रखेगा। माँ, पता नहीं मुझे अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है। क्या कुछ ऐसा है जो आप, माँ क्या सच में इस गांव में डायनों का वास है? सिद्धि, क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं माँ, ऐसी अरे बेटा वहाँ क्या देख रही है? देख यहाँ कितना अच्छा नजारा है ना? पर क्यों माँ, आपको छुपा रही है क्या मुझसे? अरे अम्मा जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल हवेली की डायन बहुत शांत है। डायन? हवेली? मैडम जी, ये जो पुरानी हवेली है ना, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इसमें एक डायन की आत्मा को कैद करके रखा गया है। कहानी तो बहुत मजेदार है, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। भैया जी, आपके गाड़ी में कोई गाने बाने है कि नहीं? ये सब बातें करके क्यों बोर कर रहे हैं हमें? मैडम जी, अगर डर लगता है तो हवेली से दूर ही रहना। अरे क्या हुआ बेटा, उस तरफ मत देख, इधर देख। बताओ ना। विवेक, विवेक, सिद्धि, विवेक कहाँ हो तुम? विवेक प्लीज प्लीज मजाक मत करो मेरे साथ। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो तुम? विवेक प्लीज अब वहीं रहना। नाउ स्टॉप देयर, ओके? विवेक कहाँ हूँ? विवेक कहाँ? विवेक, ये तो वही हवेली लग रही है जो मैंने आते हुए देखी थी। ये जो पुरानी हवेली है ना, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं
कि इसमें एक डाइन की आत्मा को कैद करके रखा गया है। मुझे नहीं होना चाहिए। क्या हो बे? फोन लगा के? नहीं पापा, नहीं लग रहा है। कब से ट्राई कर रहा हूँ। मैं तो उसे कमरे में छोड़ कर गई थी, तैयार हो रही थी वो, तो पता नहीं कहाँ चली गई। गांव में तो एक भूतिया हवेली है, कहीं वो उस हवेली की तरफ तो नहीं गई? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, उससे अंधेरे से बहुत डर लगता है। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाके देखता हूँ। नहीं विवेक, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने भी सुना है उस डायन के बारे में, कहते हैं कि वो भूतिया हवेली में कैद है। उस कलमुई को देखते ही मैं समझ गई थी कि उसकी तो किस्मत ही फूटी हुई है, कुछ बहुत भयानक होने वाला है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे यहां से बाहर निकल दो भगवान जी। वैसे कल डायन वाली बकवास की वजह से लोग इतना डरे हुए हैं। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आया था। क्या हुआ? देखो, मैंने तुम्हारे कुछ पिक्चर्स लिए। तुम सोते हुए भी कितनी सुंदर लगती हो ना। बाप रे, कितना डर गया बच्चा। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम हमेशा मेरे साथ है ना, सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो। मैं अकेले इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। नहीं सिद्धि, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें पता है, वैसे तो फेर वाली कसम में दो दिन बाकी है, बट आई कैन प्रॉमिस दिस टू यू एनी टाइम, आई विल नेवर लीव यू अलोन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा तुम्हें। गुमनाम है कोई
बदनाम है कोई राज को खबर कौन है वो अनजान है डरी हुई डरा दिया मुझे यार तुम बस देखती जाओ अभी तुम्हारा सारा डर भाग जाएगा यू नो ये किला जो है ना ये चांद की रोशनी में रात में कितना खूबसूरत लगता है तुमसे भी ज्यादा अच्छा पर ये चांद बादलों से कब निकलेगा चांद बादलों के पीछे से निकलेगा जब ये बादल छट जाए और मौसम बिल्कुल सुहाना हो जाए राज तुमने सुना क्या क्या है वहां पे कुछ तो नहीं है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो यार एक बात बताओ मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं उसके बाद भी तुम डरती हो मान लो अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर तुम्हारा क्या जानना चाहती थी ना तेरे पति के साथ क्या हुआ अब मैं बताऊंगा बात ये है कि उसे ठीक ठीक पता था कि मैं कहाँ हूँ क्या कर रही हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है मैं खुद हैरान थी और अब जब मैंने उसे देखा तो मैं यकीन नहीं कर पाई ये कल से उसे कमरे में बंद करके रखा था पता नहीं कैसे बाहर निकल गई वो माफ करना बेटा लेकिन हमारी सिमरन ऐसी नहीं है अंकल आंटी आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है क्या मैं सिमरन के साथ कुछ दिन बिता सकती हूँ हाँ मैं ठीक हूँ माँ आप चिंता मत करो वो घर मिला नहीं अब तक लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो नहीं माँ कुछ नहीं छुपा रही हूँ मैं वो घर नहीं मिला ना अब तक मगर कल मैं फिर से ढूंढ लूंगी मैं खाली हाथ नहीं आऊंगी फिर को लेकर आऊंगी लेकर
मुझे कल तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, बट आई प्रॉमिस कि अब मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम भी मुझसे प्रॉमिस कर कि तुम भी यूं झांसी की रानी बनकर मुझे अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। तुम बोलेगी इस सिमरन कभी नहीं छोड़ूंगी मैं, इसने मेरे किले में मेरी कब्र पर पैर रखकर मुझे जगाया है। बेटा ध्यान से, तुझे पता है तू क्या करने जा रही है? ये भी हो सकता है कि तू विवेक तक पहुंच ही ना पाए। कहीं वो मेरे विवेक जिंदा है और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि मैं उन तक पहुंचूंगी और मैं उन्हें बचाऊंगी भी। जा उसी खंडर में जा जहां ये सब शुरू हुआ था। आना चाहिए था, पर वो है कहाँ? उसको हराने के लिए उसका यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। कोशिश करके देख ले। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।